सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय ओजीवा, बी अ बेटर यू। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? क्लीन न्यूट्रिशन जो बॉडी को हर तरह से बेटर बनाए अंदर से भी। ट्राई ओजीवा सर्टिफाइड क्लीन एंड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। हमें सेहत पर मेल आया हमारे एक व्यूअर का, जो नहीं चाहते थे कि हम उनका नाम, असली नाम शो पर बताएं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम उनका एक काल्पनिक नाम रखते, इसलिए हम उन्हें प्रमोद बोलेंगे इस शो में। 40 साल के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। अब लगभग एक साल पहले की बात है, उन्हें कब्ज की शिकायत शुरू हुई। उन्होंने अपने जान पहचान के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कब्ज की दवाई ली, उन्हें दिखाया और फिर उन दवाइयों को खाना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक उनका इलाज भी चला पर हालत में कोई सुधार नहीं आया। उल्टा उन्हें और डायरिया हो गया, स्टूल में खून आना शुरू हो गया, साथ ही वजन गिरने लगा, बहुत थकान भी रहती थी। प्रमोद खुद को दिखाने हॉस्पिटल गए, वहां उनके टेस्ट हुए, पता चला कि प्रमोद को पेट की बीमारी नहीं है, उल्टा रेक्टल कैंसर था। रेक्टल कैंसर यानी वो कैंसर जो रेक्टम में पाया जाता है। रेक्टम का मतलब होता है मलाशय, यानी जहाँ पर स्टूल स्टोर होता है, मल स्टोर होता है। अब अच्छी बात यह है कि प्रमोद का कैंसर एकदम जल्दी स्टेज में पकड़ में आ गया, उनका समय पर इलाज भी शुरू हो गया, अब वो काफी बेहतर है। प्रमोद चाहते हैं कि हम रेक्टल कैंसर पर एक एपिसोड करें। जरूरी है कि इसके लक्षण लोगों को पता हो, कब्ज या डायरिया समझकर इसका देसी इलाज ना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी स्टेज में कैंसर का पता चलेगा उतनी ही जल्दी इलाज भी शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रेक्टल कैंसर क्या होता है और क्यों होता है। रेक्टम जो है वो अपने इंटेस्टाइन का सबसे निचला वाला एरिया है जिसमें स्टूल स्टोर किया जाता है। हिंदी में उसको मलाशय भी बोलते हैं। अगर उस एरिया में कोई भी गांठ हो जाता है या कैंसर हो जाता है तो उसको रेक्टम कैंसर बोलते हैं। रेक्टम कैंसर के मुख्य लक्षण हैं संडास में से खून जाना, बार बार संडास हो जाना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बॉवेल हैबिट्स में चेंज हो जाना, ये सब रेक्टम कैंसर के लक्षण हैं। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को प्रोडर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगना, पेट दर्द, पीठ दर्द और वेट लॉस, ये भी सिम्टम हो सकते हैं। रेक्टम कैंसर होने के बहुत सारी वजह हैं, जिसमें हैं कुछ फैमिलियल डिसीजेस हैं, जैसे कि लिंच सिंड्रोम है या फैमिलियल एडेनोमाटोसिस पॉलीपोसिस नाम का एक बीमारी है। अगर वो फैमिली में है तो रेक्टम कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। उसी के साथ अगर आपके डाइट में आप फाइबर डाइट कम लेते हैं, जैसे कि आप सब्जियां कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, तो भी आपको रेक्टम कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। उसी के साथ जो लोग सिगरेट बीड़ी और शराब पीते हैं, उन लोगों में भी रेक्टम कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। उसी के साथ जो लोगों में ओवरवेट होना, ओबेसिटी और सेडेंटरी हैबिटेट, ये भी रेक्टम कैंसर होने के हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। रेक्टम कैंसर के प्रिवेंशन के लिए पहली बात जो है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब क्या है कि जो लोग हाई रिस्क हैं उनको रेगुलरली चेक करना और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए 50 साल की उम्र के आगे के लोगों को हर साल में एक बार रेक्टम कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। उसी के साथ अगर किसी पेशेंट में फैमिलियल कुछ बीमारी है या फैमिली हिस्ट्री है, उनको भी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। उसी के साथ किसी पेशेंट को अगर स्मोकिंग का हैबिट है, अल्कोहल का हैबिट है, तो वो कम करना ज़रूरी है। अगर आप सेडेंटरी हैबिटेट की बहुत ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और खाने में हाई फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है, जिससे आप रेक्टम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। रेक्टम कैंसर के ट्रीटमेंट में तीन टाइप के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पहला जो है जिसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी, सेकंड जो है जिसको बोलते हैं सर्जरी, और थर्ड जो है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी जो है उसमें क्या किया जाता है कि हम कुछ एक्सरेज और गामा रेज का ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, एक मशीन से वो ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी एक ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होता है,
जिसमें पेशेंट को एक 10 से 15 मिनट का रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट डेली दिया जाता है। हफ्ते में 5 बार ट्रीटमेंट होता है और लगभग 5 से 6 हफ्ते तक वो ट्रीटमेंट चलता है, जिससे हम रेक्टम कैंसर का इलाज करते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं सर्जरी, सर्जरी में हम ऑपरेशन करके जो गांठ है वो गांठ निकाल देते हैं और जिसको बोलते हैं सर्जरी। और तीसरा जो ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मतलब कैंसर के जो मेडिसिन होते हैं वो इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में हम पेशेंट को देते हैं, जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो ये तीन टाइप के ट्रीटमेंट कैंसर में अवेलेबल है। अभी कौन सा ट्रीटमेंट कब करना है इसका जो सीक्वेंस है वो कैंसर के स्टेज के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब ने रेक्टल कैंसर के जो लक्षण बताए हैं उन पर खास नजर रखिएगा। कब्ज समझकर या फिर डायरिया समझकर घरेलू इलाज ना शुरू करें, सही समय पर डॉक्टर को दिखाएं और इलाज भी लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए हमारे शरीर के किस अंग तक खून नहीं पहुंचता है और उसे ऑक्सीजन डायरेक्ट हवा से मिलती है। आपके शरीर के सारे अंगों तक खून पहुंचता है। अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी खून की मदद से उन्हें ऑक्सीजन मिलता है। पर शरीर में एक ऐसा भी अंग है जिस तक खून नहीं पहुंच पाता। अब ऐसे में वो सांस कैसे ले, जिंदा कैसे रहे, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर नेहा ने। हम बात कर रहे हैं कॉर्निया की। अब क्या होता है ये कॉर्निया? आंखों का वो हिस्सा जो ट्रांसपेरेंट है और ये कवर करता है आंखों के बिल्कुल फ्रंट पोर्शन को, यानी एकदम आगे के हिस्से को। इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। कॉर्निया तक कोई ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, तो क्या यहाँ ऑक्सीजन की एंट्री बंद है? अब क्या किया जाए? बिना ऑक्सीजन तो काम चल नहीं सकता। अब जुगाड़ ये है कि कॉर्निया ऑक्सीजन लेता है डायरेक्टली बाहर जो हवा है उससे। दरअसल कॉर्निया तक खून क्यों नहीं पहुंचता है उसके पीछे भी एक वजह है। ये एवैस्कुलर है, बोले तो यहाँ खून की सप्लाई नहीं है। क्योंकि अगर खून की सप्लाई होती तो आप सब कुछ साफ साफ नहीं देख पाते। आपको चीजें साफ ही इसलिए दिख रही हैं क्योंकि कॉर्निया तक खून नहीं पहुंच पा रहा है, समझे? बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। जैसे अगर नारियल पानी पीते हैं पर उसकी मलाई फेंक देते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो नारियल पानी तो पीते हैं लेकिन उसकी मलाई फेंक देते हैं। ऐसा करने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। डाइटिशियन रेखा बताती है कि नारियल की मलाई स्किन और हेयर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। लिमिटेड मात्रा में खाने से वजन घटाने में भी मददगार साबित होती है। दरअसल इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स नाम का एक हेल्दी फैट पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपका वजन भी काफी हद तक कंट्रोल में रहता है, साथ ही खाने को बचाने में ये काफी मददगार साबित होता है। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि पेट में दर्द, कब्ज, दस्त और ऐंठन की शिकायत होती है तो इसका इस्तेमाल काफी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। नारियल की मलाई इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यानी अगली बार जब भी आप नारियल पानी खरीदें तो सिर्फ पानी नहीं इसकी मलाई भी जरूर खाएं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।